हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और उसको बहुत ही प्रॉपर वे में उसको समझेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके समझेंगे कि कैसे अगर आपको फैक्टराइजेशन मिलेगा पॉलिनोमियल्स का, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही प्रॉपर वे में इसको समझा सकूं। तो चलिए आज का वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ फार्मूला बताया था, तो वह मैं फार्मूला आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप उसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा उस फार्मूला के हेल्प से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स फार्मूला के बारे में, क्यूब ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट फार्मूला आपको बताया था a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ये बाइनोमियल हुआ इसलिए हुआ क्योंकि इसमें दो टर्म है। आप इस फार्मूला को एक और तरीका से लिख सकते हैं, मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फार्मूला के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था, दूसरा फार्मूला वो क्या था आपका, a माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस आपका ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये दो फार्मूला था, ये आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो ये आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो गया। इसी फार्मूला के बेसिस पर अभी जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेंगे और उसको फैक्टराइज करने का कोशिश करेंगे कि कैसे उसको फैक्टराइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। तो फैक्टराइजेशन हम लोग अभी देखेंगे किसके बारे में, तो अभी डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग the formula for the cube of a binomial, ठीक है। ये हो गया आपका टॉपिक, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। 8aq प्लस bq प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, और इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन को देख करके आपको ये क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इसमें कौन से, मान लीजिए मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द फार्मूला फॉर द क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स। तो यहाँ पर आपको तो पता है फार्मूला, पार्टिकुलर फार्मूला क्या होगा, लेकिन जब आपको क्वेश्चन मतलब सडनली मिले आपको तो कैसे आप बनाइएगा, तो आपको पूरा फार्मूला याद होना चाहिए। साथ ही साथ वो फार्मूला याद रहना भी ज़रूरी है, साथ साथ इसके साथ ये भी ज़रूरी है
कि आप उस फार्मूला को कहाँ पर इम्प्लीमेंट करिएगा। तो ये फार्मूला सबसे पहले आपको माइंड में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका कौन से फार्मूला से बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो है इस फार्मूले से बनेगा, जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो उस फार्मूला को आप सबसे पहले लिख लीजिए, क्योंकि उसी फार्मूला के बेसिस पर आप इसको अभी सॉल्व कीजिएगा। तो ए प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी फिर थ्री ए बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये मतलब इसका इस क्वेश्चन का जो आर एच एस पार्ट है वो आपका इस वाले ये इसका जो इस फार्मूला का जो आर एच एस पार्ट है वो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका आर एच एस पार्ट से ये आपका ये मैच खा रहा है। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि आप इस आपको फैक्टराइज करना रहेगा तो कौन से फार्मूला का यूज़ कीजिएगा। तो ये आपका पता चल गया ये फार्मूला का यूज़ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या दिया है आपका, दिया है 8a क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, 8a क्यू को आप लिख सकते हैं 2a का होल क्यू। क्या लिख सकते हैं आप, 2a का होल क्यू। फिर बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू को आप लिख सकते हैं बी का होल क्यू। फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में आपको लिखना होगा 3 into a square। तो ए स्क्वायर ए के जगह पर आपका क्या है, ए के जगह पर आपका है 2a का होल स्क्वायर। और b के जगह पर आप क्या दिए थे, ये आपका b है प्लस 3 into आपका क्या है a के जगह पर आपका 2a है और b के जगह पर आपका जो है वो क्या लिए हुए हैं, वो b के जगह पर आपका बी स्क्वायर है। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन था उसको मैंने फार्मूला के हेल्प से इसके बेसिस पर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसका RHS पार्ट मैंने जो है ले आया, RHS पार्ट मैं ले आया। तो जब ये इस फॉर्म में लिख दिया तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो मैं इस फॉर्म में इसको जो है वो क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये क्या था, इतना इज इक्वल टू मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, आपका ए प्लस बी के होल क्यू के आपका इक्वल हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यू और 2a प्लस b 2a प्लस b और 2a प्लस b। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन आपका फैक्टराइज हो गया। तो ये तरीका था, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फार्मूला के बेसिस पर कैसे होगा, ताकि और भी जो है हम लोगों को बेटर समझ में आए। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, सेकेंड क्वेश्चन मैं लेता हूं आपको, वो क्या लेता हूं, सिक्सटी फोर ए क्यू माइनस 27 bq माइनस 144 a square b प्लस 108 ab square। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन को देखने के बाद ये माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आखिर फैक्टराइज होगा तो इस क्वेश्चन में कौन से फार्मूला का यूज होगा। ये क्वेश्चन को देखने के साथ ही क्लिक हो जाना चाहिए और माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम भी कौन से फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वो फार्मूला आपके माइंड में बहुत ही प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, लर्न भी होना चाहिए, तभी आप जो है वो क्या कर पाइएगा, अच्छे से उस फार्मूला के हेल्प से आप इसको बना पाइएगा। तो यहाँ पर आपका जो है वो क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन किस फार्मूला से आपका बनेगा। तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हुए थे a माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 a square b प्लस 3 ab square। इस फार्मूला के बेसिस पर आपका ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अब देख सकते हैं क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था, वो क्वेश्चन का आर एच एस पार्ट जो है, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ हूँ वो इस क्वेश्चन
जो है इस फॉर्मूला के RHS पार्ट से कहीं थोड़ा बहुत जो है वो मैच खा रहा है। तो क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इस जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ये क्वेश्चन, उसको जो है वो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे और इस फॉर्म में इसको ले आएंगे। तो इस फॉर्म में ले आएंगे तो फार्मूला की हेल्प से ये क्या होता है, इतना के इक्वल होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। तो चलिए इस फार्मूला के RHS पार्ट को जो दिया हुआ आपका ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, वो इसके हेल्प से इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो यह क्या दिया आपका, ए क्यू दिया हुआ है, तो आप क्या दिया 64, तो 64 ए क्यू कैसे लिख सकते हैं आप, क्या होगा, तो ए क्यू के फॉर्म में तो 4a का होल क्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, 4a का होल क्यू लिख सकते हैं, 4a का होल क्यू। उसके बाद क्या है, b का क्यूब, क्या आपका b का क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 3b, मतलब 3 3 9 9 3 27 का क्यूब। और फिर आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में 3 into, a के जगह पर आपका क्या हो गया, a के जगह पर आपका हो गया 4a स्क्वायर, और b के जगह पर आपका हो गया क्या, हो गया आपका b के जगह पर आपका माइनस, ये आपका हो गया 3b, ठीक है, और फिर प्लस 3 into a, a के जगह पर आपका क्या हो गया, a के जगह पर आपका हो गया 4a, और b के जगह पर आपका हो गया, b के जगह पर आपका क्या हो गया, b के जगह पर आपका हो गया 3b का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन था, ये जो फार्मूला था उसका, ये जो है वो क्या, मैंने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसके, इस फार्मूला इसके फॉर्म में जो है यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। तो मैं चेंज कर दिया तो यहाँ फार्मूला से क्या होता, ये इसके फॉर्म में, इस फॉर्म में मैं लिख दिया, तो अब इस फॉर्म में मैं लिख दिया तो इसको मैं अब इस फॉर्म में क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसी फॉर्म में इसको लिखता हूँ, क्योंकि आपका a माइनस b का होल क्यूब, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये क्या था, a के जगह पर आपका था 4a था, और b के जगह पर आपका क्या था 3b था, उसका होल क्यूब मैंने लिख दिया। अब आप क्या कीजिए, इसको 3 टाइम्स लिख दीजिए, क्योंकि आपका होल क्यूब है 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, ठीक है। ये था आपका तरीका, इस टाइप से आप जो है इजली वे में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो फैक्टराइज कर सकते हैं, और आपको मतलब और भी स्पीड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे सम को प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इजली वे में क्वेश्चन आपको दिखाई देगा और आप आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ फ्रैक्शन टाइप का, और उसको भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप कैसे उसको जो है वो क्या करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा। चलिए उसको भी मैं समझा ही देता हूँ। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये मैंने लिया थर्ड क्वेश्चन 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन क्या था, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि अगर ये फैक्टराइज होगा फार्मूला के बेसिस पर, तो ये क्वेश्चन आपके किस फार्मूला के बेसिस पर जो है फैक्टराइज होगा, तो आपको माइंड में वो फार्मूला याद होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको तो फार्मूला याद ही होगा कि ये क्वेश्चन आपके किस फार्मूला से आपका बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा a माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका, आप देख सकते हैं कि इसका, इस फार्मूला का RHS पार्ट कहीं ना कहीं आपका इस क्वेश्चन से मैच खा रहा है, तो वही करेंगे, इसके इस पार्ट को जो है हम लोग क्या करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। किस में चेंज करने की कोशिश करेंगे, इस फॉर्म में, क्या आपका 27 पी क्यू, तो इसको ए क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं 3p का होल क्यू, और फिर आप क्या लिख सकते हैं 1/216, तो आपको पता है 216 किसका, 6 into 6 into 6 की जगह 3 times, तो आप 6 मतलब
1 by 6 का होल क्यूब कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 by 216। तो 1 by 6 का होल क्यूब, फिर यहाँ पर आप 3a² a की जगह पर क्या आपका 3p का होल स्क्वायर, और b की जगह पर आपका क्या d की जगह पर आपका है 1 by 6। फिर यहाँ पर क्या है 3 है, a के जगह पर आपका है 3p और b के जगह पर आपका है क्या 1 by 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो आपका ये इस फॉर्म में मैच ये आ गया आपका, तो क्या कर सकते हैं, इतना आया तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3p-1/6 का होल क्यूब, और आप लिख सकते हैं 3p/1/6 3p/1/6 ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भी मैंने आपको समझाया हो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये सब वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पॉलीनोमियल्स के और भी टॉपिक के बारे में बहुत ही प्रॉपर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे जय हिंद जय भारत।